प्राणाधार आत्म संबंधी धनी के लाडले एवं प्यारे श्री सुंदर साथ जी, तुम्हारे श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दाम धनी अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम इंद्रावती के दाम दिल में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को ये रास ग्रंथ के माध्यम से, रास की वाणी के माध्यम से प्रबोधित कर रहे हैं कि प्रेम क्या तत्व है। जो आपको प्रेम सीखना है ने, वैसे तो रास से क्यामत तक की वाणी में प्रेम की ही सिखापन, प्रेम की ही सीख दी है। वैसे परिक्रमा ग्रंथ सागर सिंगार खिलवत, वैसे परिक्रमा ग्रंथ के चौथे नंबर के प्रकरण में भी तुमको इश्क उपजाने की जो सीख दी है कि प्रयास किया कि भाई कैसे तुम्हारे अंदर इश्क आए। ये जागनी ब्रह्मांड में मैंने तुमको धाम धनी क्या बता रहे, क्या समझा रही है इंद्रावती के धाम दी से रास ग्रंथ की ये वाणी के माध्यम से कि सुंदर साथ जी, ब्रज रास के बाद इस जागनी ब्रह्मांड में प्रेम के मार्ग पर कैसे चला जाए, ये आपको रास ग्रंथ के माध्यम से आपको सीखना मिलेगा। और आगे खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वाणी से कैसे हमारी आत्म इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। यहां बैठे बैठे हम आत्मा के धरातल पर, आत्मा के द्वारा, हमारी सुरता के द्वारा हम कैसे इस अद ब्रह्मांड को छोड़कर, बेहद को छोड़कर अखंड ब्रज रास की लीला को देखते हुए आगे हम परम धाम दिव्य रंग माहौल में प्रथम भोम मूल मिलावे में हमारी आत्मा कैसे पहुंच सकती है। और जो हम ये वाहदत्त की मार्फत हम परम धाम में नहीं समझ पाए थे, राज्य के दिल की जो पूर्ण पहचान हम परम धाम में अनादि काल से कदीम से रहते हुए भी वहां नहीं समझ पाए थे, यही ध्यान से आगे सुनना। यही पहचान धाम धनी ने रास ग्रंथ के माध्यम से सिर्फ मार्ग बताया। ध्यान से, रास ग्रंथ के माध्यम से सिर्फ मार्ग बता के ये अवलंबन ये सिखाया कि तुम ये मार्ग अपना लो जो व्रज रास में आपने अपनाया था, जो अवलंबन किया था, ये मार्ग पर चलते आगे जागनी ब्रह्मांड में कैसे राज्य को पाया जा सकता है। यहां बैठे बैठे इस शरीर रूपी जो साधन मिला, इसी के अंदर एक जीव और आत्मा है, और जीव अपने प्रारंभिक जब स्तर होता है उसी समय में एक जीव अपने अंतस्करण इंद्रियों के माध्यम से आगे कैसे विरह में डूबा जा सकता है, और विरह के बाद जो प्रेम की अवस्था आती है और प्रेम के धरातल पर राज्य की दिल की जो पूर्ण पहचान, जैसे कैसे कहते मार्फत की अवस्था। वैसे तो और एक बात आगे ले जाऊं तो मार्फत के स्वरूप में राज्य हमारे आत्मा के धाम दिल में बैठे हैं सूक्ष्म स्वरूप से, लेकिन ये पहचान अभी हमको क्यों नहीं हो रही है। ये जो माया की परत है, ये जो माया का आवरण जो ऊपर डले हुए है, और मैं आगे एक बात ले जाऊं तो कहे इंद्रावती सुनो रे साथ जी, यहां विलंब की धानी नहीं वार। इससे पहले जो रास, रास कहते किसको कहते हैं, रास प्रेम को कहते हैं, प्रेम कहते हैं रास, और रास कहते हैं प्रेम को।
रास ग्रंथ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं इस विषय को। तो पहले हम रास ग्रंथ क्या कहां अवतरण हुआ, नवा नगर जामनगर अभी का प्रबोधपुरी अवश्य में। और रास ग्रंथ के पहले नंबर के प्रकरण में लिखा है श्री श्री रास किताब अंजिल वाणी पुरानी प्रबोधपुरी अबसा मध्य उत्तरी सो शुरू हुई। प्रबोधपुरी अबसे में ये वाणी के तीन ग्रंथ रास प्रकाश शतरुति और कलश की दो चौपाइयां उतरी। और रास हमने अभी मैंने बोला कि किसको कहते हैं, तो हम और आगे जाए तो इस संसार में सृष्टि के प्रारंभ से चार ऋषि के माध्यम से चार ऋषियों के द्वारा वायु अग्नि अंगिरा और आदित्य चार वेदों का समाधिस्थ अवस्था में ऋतुम्भरा प्रज्ञा द्वारा वेदों का अवतरण हुआ, जिसको अपरिचय कहते हैं। जो किसी महापुरुष या किसी ने, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखा ये वेद, उसी के व्याख्यान ग्रंथ उपनिषद है। और इसके आगे ले मम तो छे दर्शन शास्त्र और अन्य धर्म शास्त्र में 18 पुराण, 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण में जो 12 स्कंद है उसमें 10वें स्कंद में 90 अध्याय में 35, इसमें से 30 ब्रज लीला के और 5 अध्यायी महारास का वर्णन सुखदेव मुनि ने 18वें पुराण श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में किया, 5 अध्याय रास का। और उसमें 4 वेद, 108 उपनिषद और 6 दर्शन शास्त्र और अन्य जो धर्म शास्त्र के अंदर के जो सार तत्व थे वो सब महारास 5 अध्याय के अंदर समाहित हो गए। मतलब इस संसार में सृष्टि में जो भी ज्ञान आया उस ज्ञान में जो सार तत्व अंतिम का, जो जैसे दूध होता है, दूध को गर्म करके हम जमाते हैं तो दही बनता है, दही जब हम विलोते हैं तो उसमें से मक्खन बनते हैं, मक्खन के बाद जब ये गर्म करते हैं तो घी बनता है। तो दूध के अंदर घी तो समाया हुआ था लेकिन दिख नहीं रहा था, वो जब मंथन करने के बाद 7 तत्व घी निकला। वैसे ही संसार के अंदर जो भी ज्ञान आया सृष्टि के प्रारंभ से लेकर उसमें से ये 10वें स्कंद के 5 अध्यायी रास सुखदेव मुनि ने जो वर्णन किया भागवत के अंदर। लेकिन यहाँ श्री धाम के धनी श्री राज जी श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती के धाम दिल में बैठकर आगे क्या कह रहे, ये रास तो प्रतिबिंब का रास था जो 5 अध्याय में वर्णन हुआ। हमारा जो असल में जो केवल ब्रह्म में रास खेली गई योग माया ब्रह्मांड में, जो बुद्धि के स्वरूप अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के स्वरूप केवल ब्रह्म में, केवल ब्रह्म अपनी अखंड योग माया शक्ति के साथ, जो लीला आनंद योग माया शक्ति के साथ वहां जो अखंड रास खेली गई किसके साथ, परब्रह्म अक्षरातीत के आवेश और अक्षर की आत्मा को देखना था। ध्यान से अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत सो शुद्ध अक्षर को नहीं, जो किन विध केल करत इश्क, और इश्क की जो आनंद की जो लीलाएं है वो अक्षर को भी शुद्ध नहीं थी। निस दिन रंग माहौल में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबो अंगो जो करते आठो
जामा वो अक्षर की आत्मा को दिखाना था। अनादिकाल से वो भी चांदनी चौक में सुबह को दर्शन करने के लिए आते थे, फिर चले जाते थे। उसको भी पता नहीं था कि अक्षरादित्य के माहौल में ये आनंद स्वरूप आत्माओं के साथ, श्यामा जी के साथ, अक्षरादित्य के साथ क्या प्रेम की और आनंद की लीला हो रही है। ये दिखाना था अक्षर की आत्मा को, और हमको क्या दिखना था, ये मायावी खेल को। तो दोनों की इच्छा के मनोरथ पूर्ण करने के लिए ये ब्रज के बाद रास, तो परब्रह्म अपनी श्यामा जी आनंद स्वरूपा और आनंद स्वरूपा आत्माओं के साथ, जो केवल ब्रह्म में अपने दिल में जो अनंत इश्क गंजान गंज, जो सागर ग्रंथ में बताया कि पांचवा सागर इश्क का गहरा गुज गंभीर, तो पांचवा जो इश्क का सागर है, ये राज्य के दिल मूल में, राज्य के दिल ही है, मूल स्तोत्र ही राज्य का दिल है ये परमधाम में। हमको ये नहीं पता था, रूहे बेनियाज थी बिछ बक्का बारे हजार, जाने ना आप अपनी साहेबिया अपार। तबक के दिल में उपजिया, मैं देखा हूं अपना इश्क और देखा हूं साहेबी। तो ये दिखाने के लिए सबसे प्रथम ब्रज में हम आए, और वहां 11 साल और 52 दिन की हमारी जुदागी रही। और उसी के बाद जब श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई बांस की, और एक एक सखिया का नाम ले लेकर बुलाया, और हमने कैसे हम ब्रज में से रास में जाते समय इस संसार को नश्वर, ये मोह सागर को कैसे परित्याग किया, वहां एक क्षण की भी हमने देरी नहीं की। तो यहां जागृत ब्रह्मांड में राज जी क्या बताना चाहते कि सुंदर साथ जी कहे इंद्रावती, सुनो रे साथ जी, हे मारे मेरे वाले सुंदर साथ जी, प्यारे सुंदर साथ जी, मैं आपको एक विशेष, एक प्रमुख, मैं आपको एक बात बताने जा रही हूं। यहां विलंब की धानी नहीं वार, किस ब्रह्मांड में, क्या व्रज की बात है ये, नहीं, तो क्या रास की बात है, नहीं, ये जागनी ब्रह्मांड में। यहां आप एक संतुष्टि लेकर, एक शांति से धैर्य रखकर जो आप बैठ गए हो, तो यहां देर करने की कोई अब समय रह गया नहीं है। अभी आप बस जल्दी से जल्द चितवनी में डूबकर अपनी आत्मा को कहां ले जाइए, सूरत एक राखिए मूल मिलावा माही। तो अब ये जो जागनी का ब्रह्मांड चल रही है, व्रज का ब्रह्मांड नहीं है, ये रास का भी नहीं है, ये जागनी का चल रहा है, तो अभी देर करने का समय नहीं रहा। ये अजवालू किधु मारे वाले, तो हे प्राणधार सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मवाणी, ये तारतम ज्ञान आपके सामने पूरा जाहिर हो चुका, उतर चुका रास से लेकर क्यामत। अभी तो ये रास ग्रंथ का वर्णन हो रहा है इंद्रावती के धाम दिल के माध्यम से, लेकिन अब हम छठे दिन में, अभी हम चर्चा करें ने, तो अभी तो ये छठा दिन चल रहा है ने, तो पांचवें दिन में इंद्रावती जी ने बोला कि सुंदर साथ जी, यहाँ विलंब की धानी नहीं वार, मतलब यहाँ देर का कोई समय नहीं रहा, तुम जल्द से जल्द अब अपने धाम दिल में युगल स्वरूप को बसा कर इस प्रेम मार्ग का अवलंबन करके तुम अपने युगल स्वरूप के चरणों में, अपने मूल तन में आप जागृत हो जाओ। और क्या बताया, किसी के किस माध्यम से, ये वाणी का उजाला कर दिया, ये वाणी के तारतम ज्ञान का आपको उजाला कर दिया। और आपन ने आवार, ये सुंदर सा जी, ये किस लिए तारतम वाणी का उजाला किया, हमारे लिए। तो हम और आगे बढ़े, यणे पगले आपन चालिए,
क्या राह बता रहे धाम धनी इंद्रावती के धाम दिल में बैठकर, कि जो सुंदर साथ जी ने चल के दिखाया, जैसे ब्रज में हमने प्रेम के मार्ग का जो अवलंबन किया, मार्ग अपनाया, और श्री कृष्ण जी के साथ जिस तन में राज्य का आवेश बैठा था, और श्री कृष्ण जी का स्वरूप इतना मनमोहक था, इतना सुंदर था, और किशोर भी था, तो कितना सुंदर लग रहा था। और इसके पीछे कितनी दीवानी थी, कितनी पागल थी, तो उसी समय हम पूरी प्रेम में डूब चुकी थी, और पूरा दिन बस कृष्ण के बिना, मतलब हमारे प्रियतम के बिना एक क्षण भी हम नहीं रह सकती थी। ये अगले नंबर के प्रकरण में बताया, जो हमने चौपाई दोहराई ने, वो चौथे नंबर के प्रकरण में बताया। ब्रजतना साथ सांबलो रे कौछु लागी ने पाय रे चेरे मनोरथ की धाया पणे पुराण एणी पेरे थाय रे वाला पुराण एणी पेरे थाय रे व्रज मा की दी आपण वातड़ी रे व्रज मा की दी आपण वातड़ी रे सगड़ी माहे सने हरे वाला सगड़ी माहे सने हरे काम करंता अति गणापन खीण नव छोड़ियो ने हरे वाला खीण नव छोड़ियो ने हरे। ये दोनों चौपाई के माध्यम से क्या बताया सुंदर साथ जी, हे व्रजलीला की बात, लेकिन अब घटित किस पर कर रहे हैं? ये जागनी ब्रह्मांड में पूरा रास ग्रंथ जागनी ब्रह्मांड पर ही घटित हो रहा है। हाँ, माध्यम बनाया है योग माया ब्रह्मांड को, केवल ब्रह्म को, जहां रास खेली गई, ठीक है। और आज संदेश जागनी ब्रह्मांड को लेकर दे रहे इस रास ग्रंथ के माध्यम से, कि सुंदर साथ जी तुम ब्रज में कृष्ण के तन के मनमोहक तन सौंदर्य इतना अति था, मतलब बहुत सुंदर था, तो आप कैसे पागल, कैसे दीवानी बनकर उसके पीछे पूरा दिन, जो गोकुल लीला के प्रकरण में भी स्पष्टीकरण किया है कि एक बार जब हम कृष्ण को मिलती थी ने, तो पूरा दिन हमारे अंदर ये छवि दूरी नहीं होती थी, और पूरा दिन ये वाला जी की बात, तो जो भी हम घर में काम करती थी, चाहे जल भरने के लिए जाती थी, या चाहे घर में कोई भी रसोई बनाने का, या बच्चे को पालने का, या जो भी पारिवारिक कामों में हम एक क्षण भी वाला जी को नहीं भूलती थी, तो तभी तो पूर्ण निंद का ये ब्रह्मांड था, तो भी एक क्षण भी आप अलग नहीं रही। और फिर हम रास में गए, तो रास में मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले ही, कि जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई कहां, केवल ब्रह्म में, और हमें कहां थी तभी उसी टाइम। पहले तो ये बताऊं कि संध्या का समय ये जो काल माया का ब्रह्मांड जो व्रज का ऐसा ही बना था, जैसे अभी ये जागनी का ब्रह्मांड है, ऐसा वाला एक काल माया का हमारा आज से 5000 साल पूर्व ब्रज का बना था। तो ब्रज के ब्रह्मांड में हम संध्या के समय, शोर भी इतना था, सब गांव में वापस जो
आ रहे थे किसान लोग, और भी गाय भी बछड़े या और भी अन्य शोर था। उसी टाइम केवल ब्रह्म में क्या समय था? शरद पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की रात्रि का 12 बजा था। वहां समय नहीं है, मैं यहां के हिसाब से समझा रही हूं। यहां संध्या का समय था और वहां रात्रिकालीन शरद पूर्णिमा का सकल कनानो चंद्रमा जिनी रजनीय की दो रास, बताया ने चौपाई में, सकल कलानो चंद्रमा शरद निसारे पुनम तणी आवियो तेरे आसो मास, सकल कलानो चंद्रमा यानी रजनीय की दो रास। तो वहां शरद पूर्णिमा की जो रात थी, उसी समय यहां जब बांसुरी का आवाज हमने सुना और वाला जी ने एक एक सखी का नाम ले लेकर जब वहां हमको बुलाया और हम जो भी स्थिति में थी, कोई इसी प्रकरण में बताया है कि कोई गाय दोहन कर रही थी, उसी समय जो पतीला था कोणिया वहां ही नीचे गिर गया, कोई बच्चे को स्तनपान करवा रही थी वहां बच्चा छूट गया, कोई पति को लोटे से जल से नहला रही थी वहां ही वो छूट गया। और वेण थई वल्लभ मी वल्लभ की, हम सीधी तत्काल निकल गई। और कोई ससुर को खाना खिला रही थी, बस थाली को फेट मतलब ठोकर देकर वहां से चल पड़ी। पहले कौन चल पड़ी? तामसिया, जिसके अंदर प्रेम की तामसिया मतलब क्रोध वाली सखिया नहीं, उग्रता वाली नहीं, प्रेम के अंदर दीवानी बनी हुई, प्रेम के अंदर पागल, मतलब कुछ भी कोई भी स्थिति नहीं देखी, पहले ही निकल पड़ी। पीछे राजस्या जो उल्टे सुलटे श्रृंगार किए, कैसे किया? जैसे हमने इसमें बताया है कि भाई कानों के आभूषण चरण में धारण किए और चरण के कानों में, ठीक है। तो हम एक दिन सोच रहे थे ऐसे कैसे, मतलब हम ऐसे ने काने की जो शोभा देखते हैं, झांझरी घुंघरी कामवी और कडले, ठीक है। लेकिन हम अंगूठी में जो बिछिया या अंगूठी पहनते ने, वो हमने अभी तक ये नहीं सोचा था। जब राजस्यों के श्रृंगार उल्टे सुलटे मतलब कानों के पैरों में और पैरों के कानों में, ऐसे कैसे पहना जाता है? लेकिन एक दिन चिंतन किया तो राजी ने थोड़ा समझ में मतलब अंदर दिया कि क्या, कि जो हम पैरों में अंगुलियों में पैरों की जो बिछिया या अंगूरी पहनते ना मुदरिया, वो हम यहाँ चिपका सकते हैं ना, ऐसी अभी तो आती है ना, तो हमने पहन लिया ये अंगूठी वाला, वो वाला नहीं झांझरी घुंघरी कांबी कडला वाला यहाँ नहीं पहना, वो अंगूठी वाला हमने यहाँ पहन लिया। और यहाँ वाला जो कान में पहनते थे वो पैरों की अंगुलियों में पहन लिया। ऐसे ही उल्टे सुलटे हमने सिंगार सज के हम कहां पहुंची? रास के ब्रह्मांड में, ठीक है। और अंतिम कौन रही? स्वातस्या। और वाणी में चौपाई भी बताई, दिख दिख पड़ो ये संसार ने कान उठे रे अगिन, वीर तामस बेगा थया त्यारे अंगड़ा थया रे पतन, ठीक है। और जब तामस्या ने सुनी, सॉरी राज स्वातस्या ने जब ये बांसुरी के नाद सुने, तब तक तो देर हो चुकी थी और घर परिवार के लोगों को पता चल गया, उसने घर में ही रोक लिया सखियों को। तब वीर और अंदर उग्रता भी आ गई, कैसी? प्रेम वाली, कि अरे तुम हमारे शरीर को क्यों रोक रहे हो, हमारे प्रियतम हमको बुला रहे, आपको तो हमारे शरीर के प्रति संबंध है ने, आप ऐसा करो ये रख लो। लेकिन हमारी सुरता तो वहां केवल ब्रह्म में योगमाया में चली जाएगी, तो उसका तन कहां पड़े रहे? घर में ही, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कौन सी आत्मा वहां पहुंची? स्वातस्या, ठीक है। राजस्या और तामस्या से पहले स्वातस्या वहां पहुंची। तो वहां
अब हम रास जागनी ब्रह्मांड में कैसे घटित होते हैं ये हम और फिर आगे समझे। तो जब वहां पहुंची तो पहले मैंने बताया कि ब्रज में किशोर स्वरूप था, सुंदर मनमोहक, ठीक है, इसलिए हमने बहुत प्रेम किया। ये ब्रजलीला में सिर्फ मैं डूबी रहूंगी तो समय पूरा हो जाएगा, लेकिन आगे चलू तो किशोर स्वरूप रास में भी किशोर स्वरूप था, वही किशोर अति सुंदर खेला स्वरूप जो वृंदा वनम बोलते हैं ना तीसरे दर्शन में, तो किशोर स्वरूप था कहां रास में भी, और वहां परिवार बाल बच्चे या सांसारिक कोई संबंधों की झंझट कोई टेंशन चिंता वहां नहीं थी, और वहां प्रियतम और अमित तो थे और कोई तो थे ही नहीं, और वहां वाला जी क्या लीला की, प्रेम के विलास की, रामतों के माध्यम से प्रेम के विलास की, तो वहां कोई जागनी ब्रह्मांड वाला दुख टेंशन चिंता तो कोई था ही ना, था ही नहीं, ठीक है। और वहां राज्य के दिल में मैंने पहले बताया जो अनंत प्रेम गहरा गुज गंभीर, जो अनंत इस क्या इस जो वाहदत की मार्फत की पहचान परम धाम में नहीं हुई थी, वहां भी राज्य ने जागनी ब्रह्मांड में तो सागर सिंगार ध्यान से खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार के माध्यम से तो प्रवाहित करेंगे ही करेंगे, लेकिन वहां भी प्रेम के विलास में बहुत से प्रेम रामतों के माध्यम से प्रवाहित किए, लेकिन वहां आदि जागृति और आदि नींद रही, आदि जागृति और आदि नींद रही, इसलिए वहां राज्य के दिल की पूर्ण पहचान नहीं हुई। क्या नहीं पहचान हुई, परम धाम में ध्यान से, परम धाम में हम ये तो जानती थी कि हमारा क्या रोज हम क्या रबत करती थी, प्रेम के मीठे विवाद करती थी ने कि हमारा इश्क बड़ा है, श्यामा जी क्या कहती थी मेरा इश्क बड़ा है, और राजी भी तभी बोलते, लेकिन वहां तो सब अपने जगह पर सच थी क्योंकि वाहदत है ना वहां, तो वहां तो कोई निर्णय और स्पष्टीकरण होना संभव ही नहीं था, तब अक्के दिल में उपजिया है ने कि मैं देखा हूं अपना इश्क, वहां तो सब अपने जगह सही थी। तो राजी ने राजी को क्या बताना था हम सब रूहों को वहां कि हे सुंदर साजी हे सखिया जो आज परम धाम में ध्यान से परम धाम की पूर्ण पहचान देने के लिए राजी आए ना जागनी ब्रह्मांड में, जो परम धाम में एक रेती के एक बालू के कण से लेकर मतलब सर्व सागर के एक बालू के कण से लेकर रंग महल तक 25 पक्ष की जो भी नियामतें जो भी हमारी विहार लीला स्थान बने हैं ये सब रूपों में धाम तलाव कुंजवन सोए, धाम तलाव कुंजवन सोए मानिक नेहरे वन की जो श्री राज श्यामा श्याम श्री राज श्यामा श्याम पश्चिम चौगाना बड़ो वन कही पुखरा जी जमुना जी लिए श्री राज श्यामा श्याम श्री राज श्यामा श्याम आठो सागर आठ जिमी के ये 25 पक्ष धाम धनी के ये 25 पक्ष धाम धनी के जो 25 पक्ष राज्य के ही स्वरूप थे अनेक रूपों में राज्य का ही स्वरूप क्रीड़ा कर रहा था सत चिद और आनंद की जो सच्चिदानंद की लीला और स्वलीला अद्वैत स्वलीला अद्वैत हम बोलते ने स्व मतलब राज्य का दिल मार्फत जो पूर्ण पहचान वहां देना चाहते थे, लेकिन मैंने बोला ने कि वहां वाहदत थी वो पहचान वहां संभव ही नहीं थी, तो राज्य क्या बताना चाहते थे कि सखिया तुम लाल चबूतरे में जाती हो ने
या फुलबाग नुरबाग में या केल लिम्बोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी या बट या होज कोसर की पाल पे हो या 24 सांस के महलों में फुआरे की आप बूंदे की कोई लज्जत बारीक बारीक ले रही हो या पुखराज की कोई घाटी में हो या तुम माणिक पहाड़ के हिंडोले में हो या तुम जवेरों के महल के नंगों के महलों में चाहे 4, 8, 16, 32 या 64 की भौम में हो या तुम वन की नहरों के पान पत्ते में फूलों के जो महल बने हैं वहाँ हो या तुम छोटी रांग 4 और हवेली में या पर कोई भी मंदिर या कोठरियों में लीला करती हो या तुम 8 सागर या 8 जिमी के टापू महल या बड़ी रांग की जो भी 80 महावेलियाँ बनी है कोई भी स्थान में तुम हो। मैंने 25 पक्ष का शॉर्ट रूप में थोड़ा बताया, ये वहाँ जो भी बनी थी साहेबी आपके लिए, मैंने जो लाड के रूप में जो आपकी साहेबी जो आपने वहाँ अनादिकाल कदीम से आप जो सुख ले रही थी वहाँ प्रेम की विलास की लीला में थी, तो ये आपको वहाँ पहचान नहीं थी कि सब रूपों में मेरा ही स्वरूप, ध्यान से, सब रूपों में मेरा ही स्वरूप कीड़ा कर रहा है, मैं ही पशु पक्षी के रूप में, मैं ही गिलम के रूप में, मैं ही हवेली के रूप में, मैं ही ओजकोसर के जल के रूप में, मैं ही चैबच्चे के रूप में, मैं ही सुंदर साथ जी, ध्यान से इधर की ओर नजर करिए आप, मेरी लिंग टूट जाएगी, मैं ही 7 वनों के रूप में और आपके रूपों में ही मैं ही तो लीला कर रहा था। आप मेरे पर सवार होके पश्चिम की चौगान में जाती थी, अश्वारी पशु पंखियन पर धनी करते जब, और गिलम भी तो मैं बना था। जब आप लाल चबूतरे जो 40 सांस में उत्तर नॉर्थ की ओर बना है, वायव्य कोने से लेकर ईशान कोने के बीच में 40 सांसों में, तो नीचे जो 1600 चौक जो बने हैं, तो वहाँ जो हमारी लीला होती थी, तो वहाँ आप तो मानती थी ये तो पशु पक्षी, क्योंकि वहाँ पहचान नहीं दी थी ने, नहीं दी थी, मतलब एक बात कहूँ, वहाँ प्रेम की बेसुधी थी, यहाँ माया की बेसुधी में है। वहाँ बेसुधी तो है ही, लेकिन वहाँ प्रेम की बेसुधी थी, यहाँ माया की बेसुधी में है। तो वहाँ वो पहचान नहीं थी, ये मैंने अभी मैंने जो बात आधी छोड़ी रास में, तो जो 11 नंबर के प्रकरण में वाले वेसली दो रड़ियामनो और इसे आगे 12-13 ऐसे करते करते 21 नंबर के प्रकरण तक रास ग्रंथ के, तब तक जो रास की रामते खेली गई केवल ब्रह्म में, ठीक है, वहाँ जो प्रेम के विलास की लीला हुई, चाहे कोनिया की रामत हो, चाहे आंखमी चामनी की रामत हो, चाहे करताल की हो, चाहे आम की हो, या चाहे कोई भी रामत हो, ठीक है, तो इस रामत में प्रेम तो राज्य ने गंजांज गंज, मतलब इसमें बीच में अंतर ध्यान हुए, फिर एक कृष्ण और एक सखिया, ठीक है, और ऐसी रामत प्रेम की हुई, लेकिन वहां तो भी हमारी आदि जागृति और आदि नींद रही, ठीक है। और जब जागनी ब्रह्मांड में तीसरे दिन में तो हम आई नहीं, रूहे ही ताई नहीं तो योग करी सरत कया खुदा हमी ताउसी फरदा रोज क्यामत, तो चौथे दिन में जब सतगुरु धनी देवचंद्र जी के साथ वाला जी तेनी ताल सुंदर बाई मोकलिया सखी तमे लई चालो आवेश मम को एकला, तो चौथे दिन में भी सतगुरु धनी देवचंद्र जी के मुखारविंद से नौतनपुरी में, चाहे गांगजी भाई का घर चाकला मंदिर हो या अभी का नौतनपुरी निज मंदिर वाला ये जो लीला का स्थान हो, तो उसी समय भी सतगुरु धनी देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी सुंदर बाई और युगल स्वरूप बैठ गए तीसरे दर्शन के बाद, और जो व्रज के माध्यम से, रास के माध्यम से और दाम की जो चर्चा की, चाहे 25 पक्षों में होज कोसर की या अन्य और लीलाओं की जो चर्चा की सतगुरु के मुखारवी से, बहुत सी चर्चाएं हुई चौथे दिन में। वो स्वरूप ही कितनी उम्र का था, ध्यान से, कितनी उम्र का था, 40 साल का,
तो सखिया जो 313वां जगी और भी सुंदर सा सुनने के लिए आते थे तो वहां मोहित हो जाते थे और सबने क्या मान लिया कि ये तनी तन के अंदर जो आवेश या जो स्वरूप लीला कर रहा है ने वो साक्षात वो स्वरूप है ने, वो तभी पहचान नहीं पाए, इसलिए तो फिर इसलिए तो बोला सुंदर बाई के दिल के दीदो माँ है ब्रज रास और धाम की, लेकिन जागनी की शुद्ध सुंदर बाई देखिया दिल के दीदो माँ है ब्रज रास और जागनी की और नहीं धाम की और जागनी की शुद्ध ना है। सुंदर साजी उसी समय भी सुंदर स्वरूप रहा, सब ब्रह्मात्माएं मोहित हुई और आड़ी का लीला भी चलती रही। कोई दिन सोने की कंसेड़ी, कोई दिन मिठाइयाँ, कोई दिन मक्खन की छींटे, तो सुंदर साथ मोहित होते रहे। लेकिन यही साक्षात अक्षरातीत है, यही धनीशी धाम, यही पहचान चौथे दिन में थोड़ी हुई। फिर पांचवें दिन में जब महामती के धाम दिल में यही स्वरूप बैठा जो चौथे दिन में लीला करने वाले प्राण नाथ अक्षरातीत, और पांचवें दिन की लीला जब जामनगर से प्रारंभ, वैसे तो दीव बंदर से हुई यात्रा तो हमारी मूल रूप से, और जब दिल्ली तक हम पहुंचे तो दिल्ली तक अभी कहां सुंदर साथ को पूर्ण पहचान हुई थी, जो यही अक्षरातीत है, यही धनी धाम, जो हमारे पूरे मनोरथ का ऐसी स्वरूप में थोड़ी पहचान हुई थी। देखो ना लालदासी और गोवर्धन भाई के बीच में भी वो चलता रहता है, ठीक है, उसको क्या लगता था कि उसके अंदर आवेश है, लेकिन यही साक्षात स्वरूप में प्राणनाथ जी के स्वरूप में लीला कर रहा है, ये पहचान की सुंदर साजी भूमि, ये पावन पवित्र धरा यही है प्राणनाथ पन्ना, ये पद्मावती पुरी बुंदेलखंड, बोलो सी पद्मावती पुरी महाराजा छत्रसाल जी की। तो यहां आके ये जागनी रास जो खेली गई, और आज हमारे सुंदर साथ में, भैया समय हो गया, मैं 2 मिनट लेती हूं ठीक है प्रसंग पूरा करने के लिए, तो आज हमारे सुंदर साथ समाज में जो एक भ्रम है, भ्रांतिया है, क्या कि भाई रास ऐसे जो ये बाहरी शरीर से, ये शरीर के जो नृत्य होते हैं, जीव के जो सुख होते हैं, ठनगनाट जो होते, ताली रास एक हमारे गुजराती भी प्राचीन जो खेला जाता है, और ये भी आपने देखा होगा, और यहाँ भी हम एक ताली रास से जो सुंदर साजी इस रास, ये तो बुद्धि और मन के धरातल पर और जीव को थोड़ा कुछ सुख प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन रास मैंने पहले ही प्रारंभिक समझा दिया, रास कैसे किसको कहते हैं, प्रेम को, लेकिन जागनी ब्रह्मांड में रास की जो वास्तविक ध्यान से वास्तविक लीला हुई कहां से, विक्रम संवत 1735 से, जो ये ईसा पातशाही बरस 40 जो श्यामा जी के पातशाही के 40 साल शुरू कहां से हुए, विक्रम संवत 1735 से 45 तक 10 साल, तब तक वाणी उतरती रही, ब्रह्मात्माओं की जागनी भी 10 साल में होती रही, और रामनगर से सबको पता है खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार और मार्फत सागर तक की जो वाणी सुंदर, खिलवत की वाणी कहाँ से प्रारंभ हो गई थी, रामनगर से, ठीक है, और जब पन्ना में हम पहुंचे तो जो राज्य के दिल की पूर्ण पहचान वाला जो अंतिम जो ज्ञान था खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार वाला, ये पन्ना की धरती, ये पावन पवित्र हमारे जो बंगला जी गुमर जी 14 लोक के जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा, तो वहां बंगला जी दरबार में खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार और मार्फत और क्यामत 1743 में चित्रकूट में जब बसंत सुर्खी लेके गए श्री जी को, तब बड़ा क्यामतनामा वहां उतरा और छोटा क्यामतनामा पन्ना जी में यहां उतरा, तो उसी के अंदर क्या रास की लीला हुई, ये जागनी रास की लीला। मैंने बताया ना पहले रास ग्रंथ में माध्यम बनाया रास क्या, योग योग माया ब्रह्मांड केवल ब्रह्म को, लेकिन लीला क्या बता रहे हैं, ये जागनी ब्रह्मांड की, के सुंदर साची पहले फिर अपन जेम निसरिया तो माध्यम ये बनाया, लेकिन जागनी ब्रह्मांड में जो 400 साल पूर्व हमारे सुंदर साथ श्री जी के साथ जो चले
और कैसे घर बार छोड़ दिया जिसको कहा गया महाजर। सूरत से जो 500 की जमात चली ने, हजरत ने आज ईद की लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल को, कुछ करे दारुल बक्का। उसमें भी क्या है, दारुल बक्का मतलब राजधानी। हमारा कैपिटल क्या है, ये पन्ना, बोलो सी प्राणनाथ। तो यहां जब पहुंचे और यहां जो छठे दिन में, पांचवें दिन में, तब की बात करूं तो पांचवें दिन में जो महारास दूजा कोई मरद न कहावी, एक मेहंदी पाक पुराण खेलसी मिल रास जागनी 36,000 सयन, तो 12,000 ब्रह्मात्माए और 24,000 कुमारिकाओं के साथ ये जागनी रास कैसे खेली जाएगी। ये वाणी तो आ गई, मैंने पहले बता दिया, समय नहीं है कि ये वाणी के माध्यम उजाले में ज्ञान से क्या पहचान होगी, सिर्फ ज्ञान से कि हम कौन है और कहां से आए और ये शरीर और संसार को छोड़ के परम धाम जाना है, तो ज्ञान से इतनी तो पहचान हो गई, लेकिन क्या स्वरूप की पहचान हुई, नहीं हुई। हमने यहां बैठे बैठे थोड़ी राजी युगल स्वरूप को पा लिया, देख लिया, साक्षात्कार थोड़ी कर लिया, तो कैसे होगा। यहां बैठे बैठे सागर सिंगार खिलवत परिक्रमा की वाणी के माध्यम से हमारी आत्मा हो मेरी वासना तुम चलो गम के पार, और सूरत एक राखिए। और इसी प्रकरण में बताया कि अपनी आत्मा को लेकर विलसिय संग महामति कहे मलपतिया आओ निज वतन विलास करो विद विद के जागो अपने तन। तो अपने तन क्या है, मूल तन मूल मिलावा। तो सुंदर साथ जी ये जागनी रास की बात है, वो रास वाला का तो माध्यम बनाया, उसी चौपाई के माध्यम से जागनी रास में हम इति बैठे मतलब यहाँ बैठे बैठे हमारी आत्मा के धाम दिल में हम कैसे इस ब्रह्मांड को छोड़कर बेहद को छोड़कर परम धाम में दिव्य मूल मिलाव में हम युगल स्वरूप को कैसे पा सकते हैं, इसी रास ग्रंथ के माध्यम से और सागर सिंगार के माध्यम से प्रेम का मार्ग का अवलंबन, उससे पहले विरह के भावों में डूबकर प्रेम का मार्ग का अवलंबन करके यहाँ बैठे बैठे सुंदरसा जी राज जी को पाना है। जो पहचान परम धाम में नहीं हुई थी, यही पहचान राज जी देने के लिए हमारे लिए यहाँ तक आए हैं। कहाँ पंथ होवे कोटि कल्प प्रेम पहुँचा मिने पलक, हमारे लिए भी इतनी दूरी नहीं है, तो धाम धनी का इसकी हमारे पहले रहा है, तो हम भी क्यों पीछे रहे, हम भी हमारे इश्क को या सो महामती प्रेम ले तोलती 300 धाम दरवाजा खोलती, सैया जाने धाम में बैठिया ये तो घरी में जाके बैठिया। इतना कहकर यहाँ वाणी को विराम दे। बोलिए सी प्राणनाथ, चौपाई दोहराए, एने पगले आपन चालिए, पगला एरे प्रमाण सुंदर साथ जी, पहले फेरे आपण जेमनी शरिया, तम जान थाओ ते चित आण, चित आणी ने रंग माणो सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे।